एलसीएम एंड एससीएफ से इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोगों के एग्जाम में आ जाता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का तरीका होता है उसको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहां दिया है दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 1:7 है तथा उनका एलसीएम जो है वो 721 है, ठीक है, 721 है। तो संख्याओं का योग क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों रेशियो जो दिया है 1 और 7, और यहाँ पर एलसीएम जो 721 दिया है, उसके बाद से संख्याओं का योग पूछा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, 821, 824, 728, 103। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पहले रेशियो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 और कितने में है, 7 रेशियो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1x, और इसको 7x कर लेंगे, ठीक है। इक्वल टू इसका जो एलसीएम दिया है वो कितना है, 721 है। अब इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो 7 और 1 का एलसीएम जब निकालेंगे तो वो 7 ही होगा, तो यहाँ पर 7x हो जाएगा। उसके बाद से ये 721 है। यहाँ से इसकी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर 721 को ये जो 7 है वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर 7 लिख लेंगे। जब इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 7 1 7 0 7 3 का 21। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो निकल के आई कितनी आई, 103 आई। अब 103 यहाँ पर आया है तो एक्स की जगह पर रख लेंगे, तो जो रेशियो दिया है वो कितना है, 1:x एक्स दिया है, तो एक्स की जगह पर 103 कर लेंगे। और कहा है संख्याओं का योग, तो यहाँ पर दोस्तों प्लस कर लेंगे, उसके बाद से 7, उसके बाद से इंटू में फिर 103 एक्स की जगह पे। तो 103 1 कितना हो जाएगा, 103, और प्लस में और 7 3 21, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 0 0 और 2 आ जाएगा क्योंकि 2 कैरी हुआ था, और 7 1 7, ठीक है, इतना हो गया। जब इसको ऐड करेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा 3 1 4, और 2 0 2, और 1 7 8, ठीक है। यहाँ पर देखिए 824 आप लोगों का ये योग आ गया, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में ये बी वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके।